सो नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल बॉस में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो आज मैं आपको इस वीडियो में बात बताने वाला हूँ दोस्तों, ये आपके जीवन भर काम आएगी। यदि आप इंटरनेट चलाते हो और वहाँ पर आप तरह तरह की वेबसाइट पर जाकर अपने अकाउंट बनाते हो, दोस्तों आपको कैसे पता चलेगा कि कहीं आपका जीमेल आईडी हैक तो नहीं, आपका amazon.com अकाउंट हैक तो नहीं? आपको कैसे पता चलेगा कि आपने इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट पर जो है अकाउंट बना रखा है, कहीं उसका पासवर्ड किसी और को तो मालूम नहीं? हो सकता है आपका कोई दोस्त हो, वो जो है आपका पासवर्ड जो है जानता हो सकता है कल आप किसी साइबर कैफे पे गए हो, ओके, वहां पर आपने अपने अकाउंट को लॉगिन किया, वो जीमेल अकाउंट हो सकता है आपका, अमेजोन अकाउंट हो सकता है, किसी भी वेबसाइट का अकाउंट हो सकता है, इंडियन रेलवे का अकाउंट हो सकता है, ओके, आपने वहां पर लॉगिन किया, उसके बाद लॉग आउट करना भूल गए, या फिर उस कंप्यूटर में ऐसा सिस्टम था कि आपने लॉग आउट भी किया लेकिन फिर भी इंटरनली वो लॉग आउट नहीं होता है और आपका जो है वहां पर यूज किया जा रहा है अकाउंट को, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपका अकाउंट का पासवर्ड किसी और को मालूम है या नहीं? तो दोस्तों इसके लिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, हो सके तो वीडियो को लाइक करके जाना, क्योंकि दोस्तों जब आप दोस्तों जब वीडियो को लाइक करते हो तो जब यार मजा भी आता है कि यार आगे भी वीडियो बनाया जाए और आप लोगों को जो है अच्छी अच्छी बातें बताई जाए, तो वीडियो को लाइक करना तो दोस्तों बनता ही है, और एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ देना, और यदि बेल आइकन को अभी तक प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ओके। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं कि हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि कहीं हमारा पासवर्ड किसी और को मालूम है या फिर नहीं। दोस्तों होता क्या है, जब भी आप अपने कंप्यूटर या फिर मोबाइल में जो है किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हो पहली बार, तो आपका मोबाइल भी और आपका कंप्यूटर भी दोनों ही जो है पूछ लेता है कि आप इस पासवर्ड को सेव करना चाहते हो क्या इन फ्यूचर, ओके। तो वहां पर आप लोग उसको सेव कर देते हो, ये पासवर्ड सेव हो जाता है आपके गूगल अकाउंट में जाकर। यहाँ पर गूगल जिम्मेवारी लेता है आपके अकाउंट के जितने भी पासवर्ड है उनको मैनेज करने की, लेकिन जिम्मेवारी लेने के साथ साथ ये आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है गूगल कि भैया आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आपकी भी जो है ड्यूटी बनती है कि आप भी यहाँ पर आए और अपने पासवर्ड को जो भी जितने भी आपके पासवर्ड है उसको बार बार आकर चेकआउट करें कि कहीं पर आपका पासवर्ड वीक तो नहीं, कहीं आपके पासवर्ड को कहीं और यूज तो नहीं किया जा रहा है, कहीं आपका अकाउंट हैक तो नहीं, ओके। तो ये काम कैसे करेंगे अब थोड़ा समझना। इसके लिए दोस्तों आप क्या काम करेंगे, अपने मोबाइल में या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर कहीं भी आप जो है गूगल को ओपन कीजिए और गूगल में टाइप कीजिए आप यहां पर पासवर्ड गूगल। आप यहां पर टाइप करेंगे पासवर्ड गूगल और इसको सर्च करेंगे। जैसे आप ये सर्च करेंगे यहां पर एक पहली ही वेबसाइट आएगी जिसका नाम होगा password.google.com। आप इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। जैसे ये वेबसाइट ओपन होगी यहां पर आपको दिखा जाएगा कि किस किस वेबसाइट में आपका पासवर्ड सेव है गूगल के सर्वर पर, ओके। और यहाँ पर ऊपर के साइड ही लिखा हुआ दिखाई देगा आपको चेक पासवर्ड, तो आप चेक पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अगला पेज खुलेगा, यहाँ पर फिर दोबारा क्लिक करना है आपको चेक पासवर्ड पर। इसके बाद आपसे आपके जीमेल अकाउंट का पासवर्ड मांगा जाएगा, तो आप यहाँ पर अपने जीमेल अकाउंट का पासवर्ड फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि जो आपका पासवर्ड है वो कहीं कंप्रोमाइज तो नहीं है, ओके। तो आप देख सकते हो मेरे पासवर्ड बिल्कुल ओके है जहां जहां पर मैंने सेव किया है गूगल के सर्वर पर। इसके बाद आपको बता दिया जाएगा कि रीयूज तो नहीं है, यहां पर भी कोई रीयूज नहीं है। इसके बाद लेकिन एक कमजोरी बता रहा है कि आपका पासवर्ड flipkart.com पर वीक है, उसको कोई भी यूज कर सकता है, तो मैं यहां से अपने पासवर्ड को चेंज करके उसको स्ट्रॉन्ग जो है बना लूंगा। तो इस तरीके से आप यहां पर सब कुछ चेक कर लेंगे दोस्तों आने के बाद कि कहीं आपका पासवर्ड कंप्रोमाइज तो नहीं, उसको कोई और यूज तो नहीं कर रहा, किसी वेबसाइट का कमजोर तो नहीं पासवर्ड, तो सब कुछ आपके सामने हो जाएगा, ओके। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक करके जाना। सो नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।